आप सब्सक्राइब करें इस चैनल को और दबाएं बेल आइकन और पाएं फ्री अपडेट सबसे पहले। हेलो एवरीवन, माय नेम इज निखित एंड वेलकम टू द अनदर सेशन ऑफ एग्जामिनेशन न्यूज। इस वीडियो सीरीज में मैं एग्जामिनेशन से रिलेटेड न्यूज और जितने भी जॉब के नए अपडेट्स आए होते हैं वो आपको देता हूँ। तो चलिए आज के अपडेट्स देखते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको आज कुछ अपडेट्स बताऊंगा जो इस हफ्ते के गवर्नमेंट जॉब के अपडेट्स हैं, और आपको SSC CHL के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कहाँ से करने हैं वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि आप मेरे को फेसबुक पे जरूर लाइक करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और आप मुझे फेसबुक पे नोर निखिल नाम पे सर्च भी कर सकते हैं। मैं फेसबुक पे रोज एग्जाम से रिलेटेड अपडेट डालता हूँ और वहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी पूछता हूँ, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आपको सबसे पहले बताता हूँ कि SSC CHSL के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कहाँ से डाउनलोड करें। लिंक एक डिस्क्रिप्शन में होगी जिस पर आप क्लिक करके इस पेज पर आ जाएंगे जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। इसके अंदर मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में चार चार पेपर अपलोड कर दिए हैं, और ये 2016 के पेपर हैं। और इसके अलावा मैं और भी कई सारे लगभग 10 दोनों लैंग्वेजेस में 10-10 क्वेश्चन पेपर अपलोड ज़रूर करूँगा। तो एक या दो दिन और लगेंगे और मैं इसको अपडेट आपके कर दूँगा। तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और ये इसके अंदर ही इसके आंसर की भी है जो कि ये विद सॉल्यूशन ही है। और मैं SSC CHSL के ऊपर एक प्रॉपर स्ट्रेटजी वीडियो बनाने वाला हूँ, जल्दी उस वीडियो को अपलोड कर दूंगा, और आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा उस वीडियो को देख करके इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। तो चलिए अब हम गवर्नमेंट जॉब की अपडेट्स देखते हैं। एक लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है जिस पर क्लिक करके आप इस पेज पर आ जाओगे, या फिर आप नोवर निखिल बस आप गूगल कर लोगे तो आपके सामने अपने आप ही मेरी वेबसाइट आ जाएगी जो कि है novarnikhil.com। और उसके बाद आप यहाँ पर लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स पर क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर आ जाओगे जहाँ पर गवर्नमेंट जॉब्स की लिस्ट अवेलेबल है। इसके अंदर बहुत सारे जॉब्स हैं, तो हम इस हफ्ते के जो मैं नए अपडेट्स किया हूँ उसको आपको बताता हूँ। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा एग्जामिनेशन जो इस हफ्ते का है वो है BPSC रिक्रूटमेंट। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की रिक्रूटमेंट आई है। हर स्टेट अपने स्टेट में एक क्लास वन ऑफिसर की रिक्रूटमेंट करता है जिसको स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो स्टेट का होता है वो लेता है, और ये एक बहुत बड़ा एग्जामिनेशन होता है और ये IAS लेवल की जॉब होती है। आप देखोगे तो इसके अंदर 5400 ग्रेड पे है, तो ये आपकी क्लास वन ऑफिसर की जॉब है, IAS लेवल की जॉब है। इसके अंदर आपके SDM और DSP जैसी पोस्ट होते हैं। तो इसके फॉर्म निकल चुके हैं और आप इस फॉर्म को ज़रूर ज़रूर भरो, बिकॉज ये बहुत ही एक अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है, और आप इसको भर करके काफ़ी अच्छे लेवल तक पहुंच सकते हो। और बाकी स्टेट के लोग जो हैं वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, बट एग्जामिनेशन उनको देने के लिए बिहार के अंदर ही जाना पड़ेगा और प्रायोरिटी बिहार के स्टूडेंट्स को मिलेगी। तो जो बिहार के हैं उसके लिए एक एडवांटेज है, बाकी लोगों के लिए भी एडवांटेज ही है, आप इस फॉर्म को ज़रूर भर दो। तो इसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सिंपल ग्रेजुएशन मांग रखा है, और इसके अलावा कोई भी एलिजिबिलिटी नहीं है। आपकी कोई भी ग्रेजुएशन कर रखी हो, BTech वगैरह हो, MBBS हो, सब इसको भर सकते हैं, और कितनी भी परसेंटेज आए हो तब भी आप इसको भर सकते हैं। और इसकी जो एज है 22 से 37 तक के लोग इसको भर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि स्टेट PCS के फॉर्म में काफ़ी ज़्यादा एज लिमिट रहती है, तो 30-35 साल के लोग भी जो मुझे मैसेज कर रहे थे वो आप इस फॉर्म को ज़रूर भर सकते हैं, और इस फॉर्म को आप जल्द से जल्द भर दें, बिकॉज जो इसकी लास्ट डेट है वो दिसंबर में है। और इसके एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें, अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। तो अगला रिक्रूटमेंट हम देखते हैं। अगला रिक्रूटमेंट है DNS बैंक का, 40 वैकेंसी है असिस्टेंट मैनेजर्स की। असिस्टेंट मैनेजर का मतलब होता है बैंक PO। तो ये वैकेंसी है, ये काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग वैकेंसी है। इस वैकेंसी के अंदर बहुत ही कम कंपटीशन होने वाला है। क्यों? क्योंकि हम इसकी एलिजिबिलिटी देखेंगे। जो इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके अंदर आपको सिंपल ग्रेजुएशन ही चाहिए, और जो इसके एलिजिबिलिटी के अंदर सिर्फ और सिर्फ सिंपल ग्रेजुएशन ही चाहिए। लेकिन इसके अंदर आपका एक ट्विस्ट है, उसको देखने के लिए हम यहाँ पे डाउनलोड करते हैं इसका डिटेल एडवर्टाइजमेंट। तो डाउनलोड करने के बाद आप देखोगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन का यहाँ पे कॉलम है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए एक बार पढ़ते हैं। डिग्री ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, हाउएवर प्लीज नोट दैट कैंडिडेट विथ डिग्री ग्रेजुएशन इन फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग, मेडिकल, पैरामेडिकल, टेक्निकल ग्रेजुएशन और डिप्लोमा शैल नॉट बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन प्रोसेस एंड देयर कैंडिडेचर शैल नॉट बी परमिटेड। इसका मतलब ये है कि BTech मेडिकल के स्टूडेंट्स और कोई भी टेक्निकल डिग्री वाले स्टूडेंट्स इस फॉर्म को भर ही नहीं सकते हैं। इसको सिर्फ वही भर सकते हैं जिन्होंने सिर्फ सिंपल ग्रेजुएशन कर रखी है 3 ईयर्स की। और इसके अलावा एक और एलिजिबिलिटी है जो कि इसके अंदर नीचे लिखी हुई है, आपको कंप्यूटर में नॉलेज होनी ही चाहिए। आपके 12th में या तो कंप्यूटर सब्जेक्ट रहा हो या फिर आपने कोई बाहर से कंप्यूटर का कोर्स कर रखा हो तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। और इस फॉर्म को आपको भरने के लिए आपको महाराष्ट्र भाषा में लिखना पढ़ना दोनों आना चाहिए। तो अगर आप मराठी हैं तो आपके लिए बहुत ही बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज महाराष्ट्र के लोगों को ये मराठी में लिखना और पढ़ना आता है, और इसके एलिजिबिलिटी में भी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हट जाएंगे। तो इस फॉर्म को ज़रूर भरें। और इसकी एक बहुत अच्छी बात ये भी है कि सिर्फ और सिर्फ एक एग्ज़ाम है इसके अंदर 4-5 एग्जामिनेशन नहीं देने हैं आपको, सिर्फ और सिर्फ एक एग्जामिनेशन देना है और आपकी इसके अंदर गारंटीड जॉब हो जाएगी अगर आप इस एग्जामिनेशन को पास कर जाते हैं। तो इस फॉर्म
उनको ज़रूर भरें, स्पेशली महाराष्ट्र के लोग और जो महाराष्ट्र के बाहर के हैं और उनको मराठी बोलना और लिखना दोनों आता है तो वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट जॉब के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट है इंडियन कोस्ट गार्ड, ये हर साल इसकी रिक्रूटमेंट आती है असिस्टेंट कमांडेंट की। जो असिस्टेंट कमांडेंट होता है वो क्लास वन ऑफिसर होता है, आपके आईपीएस लेवल की ये पोस्ट होती है और ये एक बहुत ही प्रेस्टीजियस जॉब है। जो आपका इंडियन कोस्ट गार्ड होता है वो डिफेंस सर्विसेज के अंदर ही आता है, मतलब जैसे कि आपका आर्मी एयरफोर्स है वो डिफेंस के अंदर आता है, वैसे कोस्ट गार्ड भी डिफेंस के अंदर आता है, ये एक पैरामिलिट्री फोर्स नहीं है। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक प्रेस्टीजियस जॉब है। इसके अंदर जो आपकी एलिजिबिलिटी है वो काफ़ी अलग सी है, तो मैं आपको उसके बारे में थोड़ी बताता हूँ। आपके जो ग्रेजुएशन है उसके अंदर 60% होना ही चाहिए। हाँ, ये एलिजिबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा है बट हम कुछ कर नहीं सकते, हमको जो भी है प्रोसेस उसी के थ्रू चलना पड़ेगा। तो 60% जिनके पास ग्रेजुएशन में होंगे प्लस उनके पास 12th में मैथ एंड फिजिक्स दोनों होगा और उसके अंदर भी आपको 60% होंगे तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। और जो पायलट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो CPL वाले जिनके पास पहले से पायलट की लाइसेंस है, वो अगर 12th पास कर चुके हैं और वो भी 60% से और आपके पास एक वैलिड कमर्शियल पायलट लाइसेंस है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। तो दो टाइप के लोगों के लिए ये फॉर्म निकला हुआ है और ये एक बहुत ही अच्छा है फॉर्म है। इसकी जो एग्जामिनेशन होती है वो आपकी इजी होती है कंपैरिजन टू बाकी जॉब्स, और जो इसका एग्जामिनेशन होता है वो काफ़ी आसान होता है इन कंपैरिजन टू जो UPSC एग्जामिनेशन लेती है असिस्टेंट कमांडेंट्स का, जो कि पैरामिलिट्री फोर्सेज के लिए होता है, और ये एग्ज़ाम उससे काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरिए, अगर आप इसकी एलिजिबिलिटी पास कर पा रहे हैं तो आप इस फॉर्म को ज़रूर ज़रूर भरिए, बिकॉज ये एक बहुत ही एक अच्छी और बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए नेक्स्ट रिक्रूटमेंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंडियन नेवी का, ये अप्रेंटिस के लिए रिक्रूटमेंट है और इसके अंदर भी आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो सिर्फ 12th है। अगर 12th में आपके 60% मार्क्स हैं और आपके पास मैथ और फिजिक्स दोनों था तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा इसमें और कोई एलिजिबिलिटी नहीं है और जो इसकी एज लिमिट है वो बहुत ही कम है। तो आप देख सकते हो अगर आप इस एज लिमिट के अंदर आते हो तो ही आप इस फॉर्म को भर सकते हो। और आपको अगर इसके बारे में डिटेल जानना होगा तो ये एडवर्टाइजमेंट है, यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट रिक्रूटमेंट है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा की, 337 वेल्थ मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स की रिक्रूटमेंट निकली हुई है, जिसके अंदर दो अलग अलग टाइप की पोस्ट है। सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर की 223 पोस्ट है और क्लाइंट सर्विस एग्जीक्यूटिव की 43 पोस्ट है। तो जिन लोगों ने MBA कर रखा है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं और जिन लोगों ने करस्पॉन्डेंस से MBA कर रखा है वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते। और इसके अंदर आपका जो प्रोसेस होगा, रिटन एग्जामिनेशन होगा आपका, उसके बाद इंटरव्यू होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा, तो इस टाइप के प्रोसेस हैं इसके अंदर। और इसके अंदर दो या तीन लेवल में एग्जामिनेशन नहीं होंगे, बस आपका एक ही बार एग्जामिनेशन होगा। तो अगर आप इसकी एलिजिबिलिटी पार कर पा रहे होंगे तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरें और जल्दी भरें, बिकॉज इन फॉर्म्स की डेट्स खत्म हो रही है। और अगर आपको इसका एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करना होगा और इसके बारे में और नॉलेज लेनी होगी तो यहाँ पर आप क्लिक करिए और एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है इस फॉर्म के लिए तो यहाँ पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के अपडेट्स अपने ईमेल में चाहिए तो आप यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस और नाम डाल के सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपकी ईमेल पे सारे अपडेट्स आ जाएंगे। या फिर मैंने एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पर क्लिक करके आप अपने आपको सिर्फ अपना ईमेल डाल के रजिस्टर कर सकते हैं, जहां पे आपके ईमेल पे ही आपको सारे गवर्नमेंट जॉब के अपडेट्स आ जाएंगे। और अगर आपको कोई भी और अपडेट्स चाहिए होते हैं तो आप मेरी वेबसाइट novanikhil.com वहां पे आप जा सकते हैं, तो आपके काफी हेल्पफुल चीजें वहां पे अवेलेबल हैं गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी फायदा मिला हो तो आप इसे लाइक जरूर करें, कमेंट करें अपने डाउट्स को, और अगर आपको ऐसे और वीडियोस देखने होंगे तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।